तो हेलो टीचर्स, कैसे आप सब। नमस्कार, मैं मोहित कुमार स्मार्ट इंफ्यूजन पटना ब्रांच से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप इस डिजिटल बोर्ड को कैसे चला सकते हैं, यानी एज अ ट्रेनिंग, मतलब कैसे आप वीडियो इस डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव यही है कि आप इस डिजिटल बोर्ड को कैसे चलाएं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को जानेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है टीचर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिजिटल बोर्ड को ऑन करना। तो डिजिटल बोर्ड को ऑन करना बहुत ही सिंपल वे है, आपको बस पावर ऑन करना है। इसमें जैसे ही सप्लाई आ जाएगी, यहाँ पे लाइट आपका रेड शो होगा, बस आपको वन टैप करना है इस बटन को। जैसे ही आप एक बार प्रेस करते हैं, डिजिटल बोर्ड आपका ऑन हो जाता है, कुछ इस टाइप से, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। डिजिटल बोर्ड में जो सबसे मेन, जहाँ पे आप यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, सबसे मेन जो होता है आपका सॉफ्टवेयर, वो है आपका नोट। तो हमने अपना नोट को जो है ओपन कर लिया है, और इसको फुल स्क्रीन आप यहां से कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक है, तो ठीक है टीचर्स, आप इसको बहुत ही इजी चेंज कर सकते हो। उसके लिए यहां मेन्यू में आ जाइए, नीचे से थर्ड ऑप्शन है थीम का, थीम पे आइए, बैकग्राउंड पे आइए। यहां पे आप कोई भी कलर लगाना चाहते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्लू, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कस्टम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस ऑप्शन से लगा सकते हैं। बस अगर 4K होगा तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी रहेगा, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा। टेम्पलेट की बात करें, हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, तो यहाँ से आप उसका टेम्पलेट भी लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं लगाना तो यहाँ से आप नन कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंस। पेंस में देखिए आपका डुअल कलर हैंडराइटिंग ऑप्शन है, यानी कि जो स्टाइलस मिलेगा वो फ्रंट एंड रियर, फ्रंट के लिए ये है और रियर के लिए ये है। फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया, जो भी मुझे कलर सेलेक्ट करना है मैंने सेलेक्ट किया, और रेयर के लिए मैंने इस पे चूज़ किया, जो भी कलर सेलेक्ट करना है मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं फ्रंट से कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरा ब्लैक चल रहा है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था, और रेयर साइड से ये देखिए रेड चल रहा है। यानी एक बार में आप दो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज करने के लिए देखिए मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा पाम या फिंगर इस टाइप से टच होगा, ये ऑटोमेटिक इरेजर यहाँ पे सेंस कर लेगा, जैसे कि आप इंडियन बोर्ड में यूज़ करते थे। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। यहाँ पे इरेजर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको स्टाइलस से इरेज करना है या फिंगर से इरेज करना है तो आप इरेजर ऑप्शन से कर सकते हो। क्लीन ऑल है, एक ही बार में पूरा बोर्ड को अगर इरेज करना चाह रहे हैं तो क्लीन ऑल दबा दीजिए, एक ही बार में आपका क्लीन हो गया। कुछ वापस लाना चाहते हैं, जैसे कई बार गलती से क्लीन ऑल दब जाता है, तो वापस भी ला सकते हो। उसके लिए यहाँ पे अंडू बटन है, अंडू कर देंगे ये वापस आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट इमेजेस फीचर। कोई भी इमेज को आप डायरेक्टली इस डिजिटल बोर्ड पे ला सकते हो। उसके लिए देखिए हमें उस टॉपिक को लिखना होगा, जिस इमेज, जो इमेज हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अर्थ का, तो ये मैंने लिखा अर्थ। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन पे आप आ जाइए, इस टाइप से आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिल गया सर्च का, आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर दीजिए। सर्च करते डायरेक्ट आप गूगल पे जंप कर जाएंगे। अब गूगल से कोई भी इमेजेस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। मैंने आ गया इमेजेस सेक्शन में, मैं आ गया हूँ। अब जो भी अर्थ मुझे बेस्ट लग रहा है उसको यहाँ से मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके लिए इसको फॉर क्वालिटी इन्हेंस अगर आप करना चाहते हैं तो उस इमेज को वन टैप कर दीजिए। अब इस इमेज को बहुत ही ईजी वे में आप ला सकते हैं। इस टाइप से मैंने लॉन्ग प्रेस किया, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए हमारा अर्थ जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ गया। अब आप कुछ भी इस पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं, पेन चूज कीजिए और यहाँ पे कुछ भी पॉइंट आउट कीजिए। पेन मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये देखिए यह है अपना अर्थ। आई होप आपको ये इमेज फीचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर आप देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आप कैसे जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक बार मिलता है, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप ऐड करेंगे तो ये आप नेक्स्ट पेज पे जंप हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी मैथमेटिक्स का टूल चाहिए तो उसके लिए रूलर्स का ऑप्शन दिया गया है। रूलर को आप इस टाइप से कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, इसको आप लंबा छोटा करना है या घटाना बढ़ाना है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना है, अलग अलग एंगल में, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करना है तो इस टाइप से आप बहुत ही इजी मैनर में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी आपको, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना।
ये देखिए हमारा लाइन जो है ड्रॉ हो गया, साथ में कितने इंचेस का हुआ वो भी इसमें शो कर देगा। तो 32.29 इंचेस का लाइन जो है ड्रॉ हुआ है। अब मुझे बनाना है कोई भी मैथमेटिकल डिग्री बनाना है मुझे, 120 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ाते होंगे तो उसमें हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 120 डिग्री पर क्लिक किया। अब इसको मैं इस टाइप से घटा बढ़ा सकता हूँ, मतलब छोटा बड़ा कर सकता हूँ। 120 डिग्री मेरा यहाँ शो हो रहा है, अब मुझे बस यहाँ टिक कर देना है। ये हमारा एंगल बन के रेडी हो गया है। अब इसको बस हमें इस टाइप से शो कर सकते हैं, 120 डिग्री है ये, और यहाँ दो एरो दे देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आप कोई भी एंगल बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है अपना शेप्स। शेप्स में आपका 2D, 3D और AI शेप्स के ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। 2D पे आपका क्लिक करेंगे तो जो भी शेप्स है वो सारे शेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका स्क्वायर, इस टाइप से ले लिए, कोई भी आप शेप चूज कीजिए, बस उसको ड्रैगन ड्रॉप कीजिए, इस टाइप से आपका शेप जो है बन जाएगा। अलग अलग कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए सिलेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, टच कर दीजिए, फिल ऑप्शन पे आइए, फिल कर दीजिए, टच कीजिए, फिल कीजिए। तो इस टाइप से आप अलग अलग कलर को भी फिल करके बहुत ही ईजी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं AI शेप्स। शेप्स में आना है आपको 2D के फर्स्ट ऑप्शन में, फिंगर का जो ऑप्शन बना है AI शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे बस आपको इस टाइप से शेप बना देना है। ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज हो जाएगा, यानी कैसा भी आपने शेप बनाया है टेढ़ा मेढ़ा, वो ऑटोमेटिक ये बोर्ड डिटेक्ट करके इसको बना देगा। नेक्स्ट है आपका 3D। 3D में आप 3D पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको 3D शेप्स लेना है इस टाइप से बस आप ड्रैग कीजिए, आपका 3D शेप बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन मोड। कोई भी चीज़ को जब आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक सेल ईक्रियोटिक सेल, तो यहाँ पे जैसे दो पार्ट करना है तो दो पार्ट में हमने कर दिया। तो ये देखिए हमारा बोर्ड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे इस कॉलम में येल्लो से लिखना है, इस कॉलम में मुझे रेड से लिखना है। तो ये देखिए हमने दो कलर को इस्तेमाल किया। अब बेनिफिट्स ये होगा कि आप जो भी राइट कर रहे हैं वो कॉलम के उस साइड नहीं आएगा, और जो इधर राइट कर रहे हो कॉलम के इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि बीच में हमारा पार्टीशन है। बैक कर सकते हैं आप, यहाँ से बैक कर दीजिए, और जो भी आपने राइट किया वो सारा डिस्प्ले पे रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना टेबल। इस टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिए, जैसे आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूला चार्ट बनाते हैं, तो इस टाइप से आप टेबल को बना सकते हैं। ये टेबल AI बेस्ड है, जिसके वजह से आप इसमें कुछ भी राइट करेंगे, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये देखिए जैसे ही मेरा एरिया क्रॉस होगा ये ऑटोमेटिक अपने स्पेस को मैनेज कर लेगा। आपको बस राइट करते चले जाना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे जैसे एरिया इसमें एक्सपैंड होगा ये चार्ट भी खुद पे खुद एक्सपैंड होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है अपना ब्राउज़र। जैसे इस डिजिटल बोर्ड में आपको इनबिल्ट ब्राउज़र मिलता है, ठीक है, यहीं से आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे आ सकते हैं। कोई भी इमेजेस लाना है, कोई भी आपको कोई वीडियो शो कराना है इसी नोट्स पे, तो आप वो करा सकते हैं बहुत ईजी तरीके में, बस वन टैप में। नेक्स्ट फीचर देखते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप है, जैसे आप टेंस पढ़ा रहे हैं तो इस माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, या साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो कहाँ भी आपको यूज़ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं, इस माइंड मैप का जो कलर है फ्रेम का वो ग्रीन है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में आइए, एक लाइन को पास कराइए, ये आपका सेलेक्ट हो गया। फ्रेम ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे कोई भी कलर रखना है, ऑरेंज, रेड, ब्लू, आप यहाँ से बहुत ही इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए हमने अभी ऑरेंज कर लिया, टेक्स्ट का कलर रेड है, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना है, वाइट करना है। तो ये सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद है क्लोन, अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे क्लोन भी बना सकते हैं इस टाइप से। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप माइंड मैप का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब है ये स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स का आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तरीका ये है कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं और
आपको ऐसा लग रहा है कि पटना बताना इम्पोर्टेंट है लेकिन आप पटना के बारे में भूल सकते हैं, तो यहाँ पटना आप डाल दीजिए। ये आपको साइड में आकर रिमाइंड करता रहेगा कि पटना के बारे में हमें पढ़ाना है। और स्टिकी नोट्स का आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप टेंस बनाए थे, टेंस पढ़ा रहे थे तो वो इस टाइप से था, यानी वर्टिकली था, आपको हॉरिजेंटली करना है। तो उसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सिंपली टेंस लिख दीजिए, अलग अलग कलर से आप स्टिकी नोट्स बना लीजिए। एक पास्ट कर देते हैं, दूसरे कलर प्रेजेंट कर देते हैं, और एक फ्यूचर करते हैं। ये देखिए, अब इसको बस आपको अरेंज कर देना है। और भी पार्ट्स आप ले सकते हैं, पहले हम लोग इजिली तीन को अरेंज करते हैं। ये अपना टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस टाइप से आपको बस अब ये बना देना होगा, माइंड मैप आपका बनके तैयार है। और भी अगर माइंड मैप लगाना है तो इसके नीचे इस टाइप से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे माइंड मैप इस टाइप से लगा दिए। तो आपको जितना भी बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस स्टिकी नोट के हेल्प से। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन प्रीव्यू। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड जो है मेरा फिल हो गया, आपको एक ही पेज पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए प्रीव्यू ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है। अब बोर्ड को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इस टाइप से ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, लेफ्ट करना है, राइट करना चाह रहे हैं, जूम इन करना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं, वो सारा फीचर इस प्रीव्यू से आपको मिल जाता है। ये देखिए, तो ये मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ कहीं भी। ये मैंने ऊपर अरेंज कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, तो ये देखिए बड़ा हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रीव्यू का क्या फीचर्स है। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, मोर ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ देखिए, पीरियोडिक टेबल का ऑप्शन मिल गया, फॉर्मूला का मिल गया, प्लैनेट का मिल गया, एंड एक्टिविटीज, ग्रिड एंड मेनी मोर फीचर इसमें मिल जाता है। पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, तो यहाँ आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल इस डिजिटल बोर्ड में इनबिल्ट मिलता है, यानी कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। मुझे सिंपली डिजिटल बोर्ड ऑन करना है और उसमें मुझे पीरियोडिक टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। ये है बेंचमार्क का अल्फा 13 प्रो, जिसमें आपको ये फीचर देखने को मिल रहा है। अब मुझे सिंपली इसको इंसर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, अपना एक्टिविटीज। जैसे डिजिटल बोर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में भी इंस्टॉल होता है, जूनियर क्लास में इंस्टॉल होता है, प्ले क्लास में होता है, तो वहाँ पे जैसे डेमो फन क्लासिफाई है, तो ये देखिए, जैसे जूनियर किड्स है उनसे आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, वो भी इंटरेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं कि क्या क्या, मतलब इससे आप स्मार्टली पढ़ा सकते हैं जूनियर किड्स को। जैसे ये देखिए, सिटी नेम एंड कंट्री नेम, बच्चा आएगा यहाँ पे उठाएगा इस टाइप से, ये देखिए करेक्ट हो गया, ये देखिए ये रॉन्ग हो गया, तो इस टाइप से साउंड करेगा, करेक्ट हो जाएगा इस टाइप से ये साउंड करेगा। ये देखिए हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली जूनियर किड्स के लिए डाला गया है ताकि आप स्कूल में बहुत ही आसानी से यूज कर सकें। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, नेक्स्ट है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे साइन 7 प्लस 8 tan मैं डाल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। यहाँ से आप जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा उसको हटा देता हूँ, तो ये अपना फॉर्मूला जो है आ गया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी रख सकते हैं इस टाइप से। इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो इस टाइप से। एडिट करना है, कुछ गलत हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आप अपने हैंड रिटन फॉर्मूला को भी इस टाइप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली राइट करना है जिस भी फॉर्मूला को करना है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने अपने हैंड रिटन फॉर्मूला लिखा है, इसको मुझे फॉर्मूला टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिलेक्ट ऑप्शन पे गया, इस टाइप से सिलेक्ट किया, फॉर्मूला का ऑप्शन मिल गया मुझे और ये मेरा कन्वर्ट हो गया। तो ये भी AI बेस्ड फीचर से आपको मिल जाते हैं इस बेंचमार्क अल्फा 13 प्रो में। और फीचर मैं दिखाऊं तो यहाँ आपको इनबिल्ट सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आप ऑनलाइन इमेज कोई भी ला सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका डाला गया नहीं है, डायरेक्ट इमेज ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ह्यूमन हार्ट लाना है, ह्यूमन हार्ट,
ये मैंने किया, ये हमारा ह्यूमन हार्ट का जितना भी इमेजेस होगा इसमें इंटरनेट पे वो सारा आ जाएगा। तो ये देखिए मुझे ये इमेज चाहिए, ये इमेज चाहिए। अभी मैं दो इंसर्ट कर रहा हूँ, दोनों एक साथ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए दोनों इमेज हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको कहीं पे भी मुझे एडजस्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकता हूँ। इस टाइप से जूम इन करना है, जूम इन भी कर सकते हैं। और ये सारा 4K इमेज है, यानी आप देख सकते हैं कितना भी मैं जूम कर रहा हूँ आपको कुछ भी फट नहीं रहा होगा। मतलब इमेज जो है पिक्सेलेट होता है, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। अब इस पर कुछ भी आपको पॉइंट आउट करना है, आप पॉइंट आउट कर दीजिए इस टाइप से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फीचर। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। इसी सर्च में आप इमेज कर सकते हैं, साथ में वीडियोस भी कर सकते हैं। वीडियो भी आपका यूट्यूब पे कुछ भी आप सर्च करेंगे वो भी विदाउट एड का वीडियो उसमें चलेगा। जैसे मैं आपका कोई भी वीडियो चलाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने डाला 4K डॉल्बी वीडियो, ये सारे वीडियोस आ गए। अब मुझे जो भी वीडियो चलाना है उसको मुझे सिंपली वन टैप करके यहाँ पे इंसर्ट कर देना होगा। ये देखिए ये आ गया। अब मुझे इसको प्ले करना है, मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया। ये देखिए हमारा वीडियो जो है स्टार्ट हो गया प्ले होना। ये देखिए, और ये ऐसा है कि आपका विदाउट एड का चलेगा। ये यहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं जो भी रखना चाहूँ। ये देखिए अब हमारा कंप्लीट 4K हो गया है। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। फोर के वीडियो चलाने के लिए जो मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए इंटरनेट की, वो एटलीस्ट 100 Mbps की होनी चाहिए, जिसके वजह से आप वीडियोस अगर प्ले करें तो आपको कोई भी बफरिंग वगैरह ना मिले। जैसे अभी यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। 4K के लिए स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ। तो नेक्स्ट फीचर है अपना प्लैनेट। इस प्लैनेट से आप कंप्लीट 3D में बच्चों को एक्सपीरियंस करा सकते हैं अपना सोलर सिस्टम, वो भी 3D में। आप कितना भी जूम करें, जूम आउट करें, ये एकदम इनबिल्ट डाला गया है, वो 3D में डाला गया है। जैसे आपको अर्थ दिखाना है तो देखिए अर्थ आ गया अपना। जैसे ही आप 2 फिंगर से टच करें किए रहेंगे तो ये अर्थ जो है रोटेट भी होगा। ये देखिए अर्थ आ गया। अब देखिए मैं 2 फिंगर से रोटेट कर रहा हूँ, टच किया हूँ तो हमारा अर्थ जो है धीरे धीरे मूव हो रहा है। अब मुझे इसको स्टॉप करना है क्योंकि इंडिया आ गया है, तो मैं जैसे ही छोड़ दूंगा ये अपना स्टॉप होना बंद हो जाएगा। अब कुछ भी पॉइंट आउट करना है तो इजीली मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ इस टाइप से। ये देखिए तो ये अपना कंप्लीट इनबिल्ट डाला गया है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप ये सारे फीचर जो है इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली पढ़ा सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस एप्लीकेशन का कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी आपको पेड वर्जन नहीं मिलेगा इसमें। एक बार आपने ले लिया डिजिटल बोर्ड, उसी के साथ लाइफ टाइम तक ये एप्लीकेशन फ्री है, जो कि आपका नोट्स। और यहाँ पे और फीचर की बात करूँ तो यहाँ आपको गूगल ड्राइव मिल रहा है। इस गूगल ड्राइव से आप कोई भी आपका गूगल ड्राइव में जैसे PDF है या PPT है तो उसको आप डायरेक्ट अपने डिजिटल बोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव। यहाँ पे आपको डायरेक्टली शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है। जो भी आपने क्लास लिया है उसका QR कोड जनरेट हो जाएगा और इस QR का बस आपको लिंक शेयर करना है या फोटो क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपका बच्चा जो है अपने फ़ोन में जो भी आपने क्लास ली है उसको नोट्स मिल सके। नेक्स्ट फीचर है मेन्यू। मेन्यू में आएंगे तो काफ़ी सारे फीचर हैं। आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं, कोई भी फाइल को इंपोर्ट करना है, जैसे इस पर PDF इंपोर्ट करना है, पेन ड्राइव आपने लगाया है, पेन ड्राइव आप यहाँ लगा दीजिए, USB पोर्ट्स है, उसके बाद इंपोर्ट कर दीजिए PDF, PDF करना है PDF कीजिए, इमेज करना है इमेज कीजिए। ऐसे अभी मैंने यहाँ कोई पेन ड्राइव नहीं लगाया है,
तो यहाँ फाइल्स मेरा ओपन है, जहाँ पे मेरा पेन ड्राइव यानी पीडीएफ है उसको मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो ये हमारा 16 पेज का पीडीएफ है जो कि ओपन हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ जो है इस टाइप से इंसर्ट हो गया, जो कि हमने नोट पे ही बनाया था। ये देखिए, ये हमारा पीडीएफ इंसर्ट हो गया। तो इस टाइप से आप पीडीएफ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पढ़ा सकते हैं पीडीएफ पे भी, बहुत ही इजी मैनर में। ये देखिए, मैं कुछ भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ, कुछ भी राइट कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाना नेक्स्ट पेज में आ सकता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप जो भी हैंड रिटन फॉर्म है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं, आज का आपने क्लास लिया, इसको पीडीएफ बना के आप भेजना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है। मेन्यू में आना है आपको, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ। एक्सपोर्ट करते ही जैसे आप पीडीएफ ऑप्शन पे चूज करते हैं तो आपने जो भी क्लास लिया है हैंड रिटन फॉर्म में उसका पीडीएफ तैयार हो जाता है और उसको आप व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम के हेल्प से बच्चों को ईजली वे में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट नोट्स था, मैं आपको और भी फीचर दिखाता हूँ। चलिए, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। आप नोट समझ गए। ये मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार इस साइड से भी आ सकता है, बीच से भी आ सकता है और इस साइड से भी आ सकता है, यानी तीन साइड से आप मेन्यू ला सकते हो। जहाँ पे भी आप स्टैंड किए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे मेन्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ले आया, तो ये हमारा कंप्लीट मेन्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए, आपको मेन्यू में ऑल ऐप्स है, ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हैं ये सारा ऐप्स खुल जाता है। इसमें आपको प्ले स्टोर देखने को मिलता है, पीआईपी मोड है, पिक्चर इन पिक्चर मोड, यानी एक साथ आपको एंड्रॉयड और विंडोज दोनों चलाना है तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी ओपीएस इसमें नहीं लगाया है तो इसमें नो सिग्नल है। बाकी मैं और फीचर दिखाता हूँ। ये है अपना कीपर, कीपर से आपको अगर रैम क्लीन करना है इस डिजिटल बोर्ड का तो वो आप रैम क्लीन कर सकते हैं इस टाइप से। ये ऑप्टिमाइज हो गया अपना डिजिटल बोर्ड, ये देखिए इस टाइप से मैं क्लीन कर सकता हूँ जो भी इसमें जंक डेटा है। नेक्स्ट है अपना प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर इस डिजिटल बोर्ड में आपको नीड है तो। बस आपको एक चीज को ध्यान देना है कि आप इसमें कोई भी हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, या फॉर एग्जांपल जैसे गेम हो गया, फेसबुक हो गया, क्योंकि इसका वो मोटिव नहीं है गेम को प्ले करना, आपका ये मोटिव है पढ़ाना। तो एजुकेशन से जो भी आपका रिलेटेड एप्लीकेशन है आप उसको इंस्टॉल करें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।